हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है इम्पोर्टेंट रिवर्स इन इंडिया इन डिटेल्स। एक्चुअली क्या, हमारा जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी आरआरबी या फिर कोई भी पीएससी या तो फिर कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट जो होते हैं उसमें दो तीन क्वेश्चंस जो होते हैं रिवर्स रिलेटेड आ ही जाता है। तो इसमें क्या, हमारा जो इंडिया में जितना सारा रिवर्स है उसमें से जो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो क्वेश्चंस में आते हैं बहुत ज़्यादा, उसको लेके हमने डिस्कस किया। उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है हमारा गंगा नदी, ठीक है। गंगा, तो गंगा हम जानते हैं कि हम इंडिया का जो है हमारा सबसे बड़ा नदी है। तो इसमें क्या है, देखिए जो गंगा है वो गंगोत्री का गोमुख जगह से इसका ओरिजिन है। फिर ये उत्तराखंड होके उत्तर प्रदेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होके बिहार में आया, बिहार में पटना, फिर वेस्ट बंगाल में आया, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर बाद वो कोलकाता में आया। कोलकाता में जिसका नाम है भागीरथी या हुगली, दोनों नाम से जाना जाता है। और एक पार्ट चला गया बांग्लादेश में, और दोनों जाके साथ में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जाके वो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो यहाँ पे फोटो है, टॉप फोटो जो है ये है हमारा गंगोत्री, जो है ये है गंगोत्री। यहाँ से हमारा जो एक्चुअली क्या है, मैं ये फ़ोटो इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोगों के फ़ोटो ध्यान में आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये गंगा कहाँ जो है वो गंगोत्री गोमुख से इसका ओरिजिन है। और ये देखिए ये जो इस फोटो दिख रहा है, जो नौसेना का जो बोट्स और जो जेट्स है, ये एक्चुअली क्या है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसका जो हमारा गंगा सागर है, ये जो दिख रहा है ये गंगा सागर वाला इलाका है, ठीक है। तो गंगा सागर दिखाने के लिए मैंने ये फोटो यहाँ पे रखा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल। एक्चुअली क्या है, जो गंगा है देखिए इसका ओरिजिन है गंगोत्री हिमालय। ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 25-25 किलोमीटर, मतलब 2,525 किलोमीटर। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इसमें जो मेजर सिटीज़ है ये नदी के किनारे में, जैसे पाटलिपुत्र, काशी, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कानपुर, पटना, कन्नौज, ठीक है। और इसका जो सबसे खास चीज़ है, इसका जो डेल्टा है, ये देखिए ये जो सुंदरवन वाला इलाका है ना, ये जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वो जो वेस्ट बंगाल में है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी नदी का है, वो है गंगा, ठीक है। मेजर ट्राइब्यूटरीज क्या है, गोमती, घरघरा, तमसा, यमुना, कोशी, और ये मार्ज कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये था हमारा गंगा नदी। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यमुना। यमुना जो नदी जो है जिसको हम जमुना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यमुना नदी या यमुना नदी ये जो है देखिए ये यमुनोत्री से शुरू हुआ है, फिर दिल्ली, आगरा होके इलाहाबाद में आके गंगा के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा जो है यमुनोत्री है, यहाँ से यमुना नदी का ओरिजिन है। और ये जो फोटो है इसमें देखिए इस साइड से गंगा आया और इस साइड से यमुना आया, और इस जगह पे गंगा और यमुना दोनों एक एक के साथ दूसरा जुड़ गया, ठीक है। तो अभी चलते इसका डिटेल में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यमुना, ओरिजिन कहाँ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। 70% ऑफ वाटर टू दिल्ली फ्रॉम द यमुना, दिल्ली का जो 70% पानी है वो यमुना से जाता है। और ताजमहल जो है, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे में है। मेजर सिटीज़ क्या है, मथुरा और न्यू दिल्ली, ठीक है। स्टेट कोवर्ड क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, हनुमान गंगा, शारदा एंड चंबल, ठीक है। मार्जिस कहाँ पे हुआ है, गंगा, जो कि इलाहाबाद के पास। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यमुना नदी कहाँ पे मार्ज हुआ है, गंगा में, गंगा के साथ और इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या है, देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये जो है
चाइना से आया है, ठीक है। चाइना से अरुणाचल होके जो असम है, असम की गुवाहाटी क्रॉस करने के बाद धुबरी की नाम का एक जगह है, धुबरी के, धुबरी से थोड़ा आगे जाके ये बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है उसके साथ जुड़ गया है। देखिए ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये जो फोटो दिख रहा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है, ठीक है। चलिए तो हम इसका डिटेल देख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्या है, सांगपो ब्रह्मपुत्र। सांगपो इसलिए बोला जाता है, ये एक्चुअली जो है हमारा चाइनीज नेम है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, आंगसी ग्लेशियर टिबेट जो चाइना में है। फिर क्या है, इंटर्ड फ्रॉम इंडिया में कहाँ पे इंटर्ड हुआ, अरुणाचल प्रदेश टू आसाम, ठीक है। इतना जगह इंडिया में है, फिर असम के बाद बांग्लादेश चला गया। टोटल डिस्टेंस कोवर्ड कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। मेजर सिटीज़ क्या है, डिब्रूगढ़ असम और गुवाहाटी, ठीक है। अनदर नेम क्या है, जमुना जो बंगाली में बोला जाता है। टिबेट में क्या बोला जाता है, सांगपो। और फिनाइन और यारलोंग जंगबो जो है चाइना का नाम, ठीक है। मार्जिस का हुआ है, पद्मा नदी जो बांग्लादेश में है। फिर क्या है, इंडस, इंडस नदी कौन सा है, जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। सिंधु नदी कैसा है, ये भी अपना चाइना में उसका है, तिब्बत में से इसका ओरिजिन है। फिर ये क्या अपना जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से होके सीधा चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। देखिए ये जो इसका डायग्राम है, देखिए ये जो है तिब्बत में से जाके जम्मू कश्मीर, कश्मीर होके सीधा चला गया अरबियन सी में पाकिस्तान होके, ठीक है। इस ये जो है हमारा जो प्राचीन सभ्यता था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब जो सभ्यता था, ये सब सिंधु नदी के किनारे बना हुआ था, ठीक है। और ये जो फोटो आप दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है, ये है अपना सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी यहीं से इसका ओरिजिन है, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इट वॉज नोन एज सिंधु रिवर, ठीक है। पाकिस्तान में इसका 93% शेयर है, इंडिया का है 5% शेयर और चाइना का है 2% शेयर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इंडिया मतलब जो इंडस नदी है इसमें इंडिया का भाग है 5%, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, टिबेटियन प्लेट जो मैंने फोटो में आपको दिखाया है वो था टिबेटियन प्लेट। और ये फ्लोज थ्रू था लद्दाख, जो मैंने बताया जम्मू कश्मीर में लद्दाख में से गया। फिर कहाँ है, इंटर्ड इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में चला गया। डिस्टेंस ओवर कितना है, 3180 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि ये जो नदी है गंगा था 2525 किलोमीटर, लेकिन जो इंडस है 3180 किलोमीटर, लेकिन क्या है तीन देशों में से ये बट गया, इसलिए ये क्या है इंडिया का बड़ा नदी नहीं है, ओके। फिर क्या है, मेजर सिटीज़ क्या है, ले सुकूर, और ये हैदराबाद जो है ये है पाकिस्तान में, ठीक है, अपना इंडिया का हैदराबाद नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, बलराम रिवर, बीज, चेनाब, ड्रास, झेलम, रवि और सतलुज। ये जो देखिए ये चनाब जो है, ये चनाब एक वैली भी है जहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और क्या है, मार्जेस इनटू अरेबियन सी, ये जो है अरेबियन सी में चला गया। ये देखिए ये अपना डायग्राम था, और एक बार देख लीजिए ये यहाँ ये जो जगह है यहाँ पे हड़प्पा बना था, और ये जो है मोहनजोदड़ो जो अभी कुछ दिन पहले फिल्म भी बना था इसके ऊपर, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो थम्सअप कीजिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं महानदी। महानदी जो है अपना उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो दो जगह है इसका एकदम हार्ट बोल सकते हैं, यहीं से ये गुजरा है। और ये जो इसका जो ओरिजिन है, देखिए ये रायपुर, छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है। फिर यहाँ से रायपुर, संबलपुर, कटक होके सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर गया, ठीक है। इसके बाजू में पारादीप भी है। और ये जो डैम दिख रहा है आपको, ये हीराकुंद डैम, ठीक है, जो महानदी का सबसे बड़ा डैम है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हीराकुंद डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर होता है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं डैम के ऊपर और एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जो मैं बना भी रहा हूँ। और तो इसका डिटेल देख लेते हैं, सोर्स क्या है, सिलो धर्मतल, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। डिस्टेंस कोवर्ड कितना है, 858 किलोमीटर। मेजर सिटीज़ कटक, संबलपुर। और ये देखिए जो मैंने बताया कि मेजर रिवर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मेजर रिवर है। और एक चीज़ यह है कि इसको पहले रोन ऑफ उड़ीसा बोला जाता था बिफोर हीराकुंड डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। ये जो हीराकुंड डैम में जो फोटो दिखा है इसका, ये बनने से पहले यहाँ पे क्या था, बरसात के मौसम में एकदम बाढ़ आ जाता था, इसलिए इसको रोन ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी जो है नदी,
देखिए, गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन है, फिर महाराष्ट्र में नांदेड़ होके फिर ये आ गया सीधा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में आके ये आ गया। ये जो तेलंगाना है पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अभी तो तेलंगाना हो गया, ये सबको तो है ही पता, फिर भी मैंने बता दिया। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो फोटो है ये है गंगापुर डैम जो महाराष्ट्र में है, और ये है श्रीराम सागर डैम जो है तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं, ओरिजिन क्या है, महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर 1465 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, मेजर टाउन्स क्या है, राजमुंड्री, ठीक है, नासिक, नंदेड़, निजामाबाद, ओके। स्टेट्स कवर क्या है, देखिए बहुत सारा स्टेट्स कवर करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी, ठीक है। वैसे तो पुडुचेरी में बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मेजर डैम ऑफ रिवर क्या है, गंगापुर डैम महाराष्ट्र, और जो मैंने बता दिया फोटोज़ भी आपको दिखा दिया, मार्च कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको और क्या है, इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 500-600 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो ये है दक्षिणी गंगा, और क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा। देखिए गंगा था कितना, 2525 किलोमीटर, और ये कितना है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये था गोदावरी नदी। फिर हम कहाँ जाते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा एक्चुअली क्या है, ये हमारा साउदर्न पार्ट का नदी है, देखिए जो साउदर्न है ये, लेकिन हुआ कहाँ से, ये देखिए महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर के आजू में से यहाँ पे से इसका ओरिजिन है, फिर ये नदी चला गया सीधा बे ऑफ बंगाल, ओके, एकदम साउथर्न पार्ट में है। तो देख लीजिए इसका डिटेल देख लेते हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, डिस्टेंस कवर क्या है, 1400 किलोमीटर, मेजर टाउन्स अलोंग द रिवर क्या है, संगली, कोनिया, विजयवाड़ा। देखिए विजयवाड़ा जो है ये एक बड़ा शहर है, ओके। मेजर ट्राइब्यूटरीज क्या है, भीमा, पलेरू, ये सब है इसका, तुंगभद्रा इसका है, मेजर ट्राइब्यूटरीज है। ये जो तुंगभद्रा है ये एक इम्पोर्टेंट नदी है, ये क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभार कि तुंगभद्रा जो नदी है वो कौन सी नदी का ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो मेजर डैम, डैम क्या है, नागार्जुन सागर डैम, धूम डैम, नारायणपुर डैम, और ये देखिए विजयवाड़ा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रिवर कृष्णा, जो मैंने अभी बताया था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, मार्ज इन टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर गंगेज, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। गंगेज है सबसे पहला बड़ा, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है ब्रह्मपुत्र एंड फोर्थ है कृष्णा। अच्छा इसमें देखिए ये नागार्जुन सागर डैम मैंने शायद आपको दिखाना भूल गया, ये जो है ये है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, ये था नागार्जुन सागर डैम। उसके बाद क्या है, कावेरी, जिसको कावेरी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ से हुआ है, ये कर्नाटका से इसका ओरिजिन है, फिर यहाँ मेट्टूर होके ये चला गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु से फिर बे ऑफ बंगाल, ओके। ये जो है अपना, आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेट्टूर डैम का फोटो आप देख सकते हैं, ये मेट्टूर डैम, ये कावेरी नदी का डैम है, ठीक है। इसका अभी डिटेल में आते हैं, कहाँ पे कहाँ से इसका ओरिजिन है, ताला कावेरी, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है, वेस्टर्न घाट, एक्चुअली वेस्टर्न घाट का बहुत ज़्यादा बहुत सा पार्ट है जो केरल में भी है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूशन भी हो सकता है आप लोग, तो कन्फ्यूशन मत होइए। ये जो है वेस्टर्न घाट है कर्नाटका का पार्ट, ये वाला पार्ट में से इसका ओरिजिन है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज क्या है, अमरावती, सेमशा, हेमावती, ठीक है। मेजर टाउन्स क्या है, ये इसमें से देखिए ये तिरुचिरापल्ली, ये एक इम्पोर्टेंट है जो तमिलनाडु में है, इसको जनरली क्वेश्चंस में आते हैं, बाकी सब भी देख लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। और डैम्स क्या है, मेट्टूर डैम जो मैंने अभी फ़ोटो आपको दिखाया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 765 किलोमीटर, और मार्च कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल। और एक चीज़ जो है शिव समुद्रम फॉल्स, सॉरी टू से कि मैं इसमें जो शिव समुद्रम फॉल्स था उसका फ़ोटो देना भूल गया, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, आप लोग भी दे सकते हो इंटरनेट में, गूगल में करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यह था शिव समुद्रम फॉल्स, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बेल बटन को भी दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट आता है नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो ज़रूर थम्सअप कीजिए, ओके। उसके बाद क्या है नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी क्या है, अभी हम आगे थोड़ा सेंट्रल पार्ट में, ठीक है,
सेंट्रल पार्ट में क्या है, देखिए ये अमरकंटक है, अमरकंटक से ये ओमकारेश्वर होके गुजरात होके आया अरेबियन सी में। अब तक जितना नदी था वो जनरली इसमें बे ऑफ बंगाल में आके उसका ख़त्म हो रहा था, एक सिंधु नदी छोड़ के, इंडस छोड़ के। तो बाकी ये सब जो अभी जो नर्मदा नदी है ये भी आके अरेबियन सी में ही आके गिरा है। और ये देखिए ये जो जगह आपको दिख रहा है ये है अमरकंटक, ठीक है, ये है अमरकंटक, ये जगह से इसका ओरिजिन है नर्मदा नदी का, ठीक है। और देखिए इसको क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। ओरिजिन क्या है, नर्मदा कुंड अमरकंटक मध्य प्रदेश। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 1312 किलोमीटर, ठीक है। मेजर टाउन्स अलोंग द रिवर क्या है, जबलपुर भरूच। देखिए जबलपुर जो है आपको, हम सबको पता है, एक बड़ा सिटी है जहाँ पे हमारा मिलिट्री का व्हीकल फैक्ट्री भी है, ठीक है। और दूसरा है क्या है, भरूच जो कि एक इंडस्ट्रियल जोन है गुजरात का। फिर क्या है, मार्च कहाँ पे हुआ है, अरेबियन सी, ओके। नेक्स्ट क्या है, ताप्ती। देखिए ये ताप्ती जो नदी है जिसको हम लोग तापी भी बोलते हैं, ये देखिए ये कहाँ है, मध्य प्रदेश से इस ये चालू हुआ, ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन होने के बाद ये गुजरात होके ये भी आके अरेबियन सी में ही जाके ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं, क्या मेजर रिवर इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मेजर रिवर है, मैं जो मैंने बताया था ये भी सेंट्रल इंडिया में आ गए हम लोग। फिर क्या है, ओरिजिन क्या है, सातपुरा रेंज, जो मध्य प्रदेश में सातपुरा रेंज है उसमें से ओरिजिन हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 724। देखिए अभी ये 724 दिखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन 724 कोई छोटा जगह है नहीं, कोई छोटा लंबाई है नहीं, ठीक है। 724 मतलब बहुत लंबा किलोमीटर्स होता है। मेजर टाउन्स अलोंग द रिवर क्या है, मुलताई, बैतूल, ये सब तो है। और भुसावल, देखिए भुसावल जो है महाराष्ट्र का, ये एक बड़ा जगह है। और सूरत एंड सोनगढ़ एंड गुजरात, ये सूरत तो बड़ा शहर है ही, हम सबको पता है, और डायमंड के लिए, डायमंड का कारोबार के लिए भी ये बहुत फेमस है। मार्च इनटू क्या है, गोल्फ ऑफ कम्बे ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। सूरत गुजरात, यहाँ पे इसका ये आके ख़त्म होता है। फिर देखिए मैंने ये जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितना नदी था उसका मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया, लेकिन अभी क्या है जो एक बार देख लेते हैं जो एट ए ग्लैंस में क्या है। देखिए महानदी जो है ये ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये वेस्टर्न पार्ट में है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। और देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये है अपना बे ऑफ बंगाल में गिरा है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरेबियन सी में गिरा है, और ये वाला जो है अपना रिवर मैप ऑफ इंडिया। देखिए इसमें मैं और एक चीज़ आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ, देखिए इंडस, सिंधु नदी जो इंडस है, देखिए तिब्बत से शुरू हुआ, फिर कश्मीर से लेके पाकिस्तान होके अरेबियन सी में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपना जो गंगा नदी है, देखिए गोमुख से लेके यहाँ से आया, फिर आने के बाद ये आया बिहार में, यूपी होके बिहार में आया, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में घुसा, दो पार्ट हुए, एक चला गया बांग्लादेश, एक चला गया इंडिया का अंदर से ही बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दूसरा महानदी जो है देखिए चिल्का लेक के बाजू में से ये गया, ठीक है। ये गोदावरी नदी, और देखिए एक और ये लूनी नदी, कभी कभार पूछा जाता है, लूनी नदी जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। इसको क्या अंतर्वाहिनी नदी भी बोला जाता है, ये अंतर्वाहिनी नदी मतलब क्या है, ये एक ही स्टेट में ओरिजिन है और एक ही स्टेट में जाके ख़त्म हो जाता है। राजस्थान में ही इसका ओरिजिन है और राजस्थान में ही ख़त्म हो गया। और ये देखिए ये गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है गुजरात में, ठीक है। तो ये सब था हमारा नदी के ऊपर। और एक चीज़ जो है जनरल नॉलेज के मैं बोल के रखता हूँ, ये जो हमारा गुजरात का जो कोस्ट लाइन है ये इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है गुजरात में, ठीक है। ये जो स्टेट है इसका कोस्ट लाइन है इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो नदी के ऊपर था। तो सब लोगों को थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए।